पेटीएम के अंदर जैसे मोबाइल नंबर इंटर की ओटीपी सेंड के लिए बताया, लेकिन यहाँ पे ओटीपी नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओटीपी हमें मिल नहीं रही है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, तो वीडियो को यहाँ पे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। बेसिकली ओटीपी नहीं आने के क्या क्या रीज़न होंगे और आप कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर समझे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे नंबर जो डाला है वो आपके फ़ोन में, इस नंबर जो फ़ोन आप जिसके अंदर ट्राई कर रहे हैं इसके अंदर फ़ोन में, मतलब यहाँ पे आपके इस सिम होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो वो चीज़ चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में ही वो सिम है। ठीक है, और दूसरा क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप इंटरनेट कनेक्शन अपना चेक कीजिए, इंटरनेट कनेक्शन आपका जो है सही तरीके से चलना चाहिए। अगर इंटरनेट आपका सही नहीं चलता है तो उस केस में भी दिक्कत आती है। तो अगर ओटीपी नहीं आती तो यहाँ पर देखिए रिसेंट ओटीपी लिखा है। ठीक है, इसके ऊपर दो तीन बार टैप करना है आपको, दो तीन बार आपको वेरिफिकेशन कोड बार बार मंगवा लेनी है, इससे भी आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और इससे भी नहीं होती है तो देन क्या कीजिए, पेटीएम को बंद किया हमने यहाँ पे। ठीक है, बंद हो गई हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सेटिंग में जाना है आपके फ़ोन के। ठीक है, सेटिंग में जाइए और ऐप्स के अंदर चले जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये कैमरा हिल रहा है हमारा। ठीक है, ऐप्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा आप डायरेक्टली वॉइस से समझ जाइएगा क्योंकि कैमरा भी काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा है। तो क्या करना है आपको, ऐप इन्फो में आकर अपने पेटीएम का एप्लीकेशन का जो डाटा होता है उसको क्लियर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे होगा पेटीएम, तो बेसिकली अभी ठीक है डाटा आप क्लियर कर दीजिए और उसके बाद ट्राई कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आराम से यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये बस तरीका आपको ट्राई करना है एंड इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो आराम से फिक्स हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है और समझ में आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।